कुंज विहारे जय जय राधा माधव कुंज विहारे जय राधा माधव कुंज विहारे हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण बलराम की जय प्रबोधन उत्सव की जय हरि नाम संकीर्तन की जय एक श्लोक से हम शुरुआत करेंगे यहाँ हमारा सामने हम सबको दर्शन दे रहे हैं कृष्णा और बलराम कहाँ हैं कृष्णा बलराम इशारा कीजिए इशारा सब लोग करना चाहिए इशारा तभी मालूम पड़ेगा आप सब देखा है गुड ओके गुड एक श्लोक मेरे साथ बोलिए जो सुखदेव गोस्वामी ने कहा था कृष्ण बलराम के बारे में आवाज ठीक से आ रही सबको इति नंदादयो गोपाल सब लोग बोलिए ये भागवतम से बहुत से सर्वश्रेष्ठ श्लोक है इति नंदादयो गोपाल कृष्ण राम कथा मुदा कृष्ण राम कथा मुदा कृष्ण राम कथा मुदा कृष्ण राम कथा मुदा कुर्वन्तो रममाणश्च कुर्वन्तो रममाणश्च कुर्वन्तो रममाणश्च कुर्वन्तो रममाणश्च नाविन्दन् भववेदनम् नाविंदन भववेदनम जब वृंदावन में कृष्ण और बलराम नाना प्रकार की लीला किए थे हम ये सब चीज वृंदावन भागवतम से सुनते हैं हर दिन कुछ न कुछ दानव आते थे कुछ न कुछ असुर आते थे और कृष्ण और बलराम नाना प्रकार लीला करते उसको मारते थे और सभी को आनंद प्रदान करते थे और कृष्ण बलराम जंगल में जाते थे और असुर का वध करके घर में आते और जब घर में आते और जो उनने लीला किया एक गाने के रूप में गाते थे तो इस प्रकार जब कृष्ण बलराम की लीला होते थे उस समय अगर बाहर से देखा तो ये बड़ा पीड़ा है लेकिन कृष्ण बलराम वहाँ होने के कारण से उनका जो पीड़ा से जो ताप मिलना है वो ताप बिल्कुल नहीं मिलता था इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने कहा इति नंदादयो गोपा मतलब नंदा उपनंदा बहुत सारा गोपगण कृष्ण और बलराम की कथा में हमेशा रुचि लेते थे और इसमें रमण करते थे और कृष्ण की लीला करने में गुणगान करने में आनंद लेते थे इसके कारण से उनको कोप कभी भी जो भौतिक जगत की जो पीड़ा है वो पीड़ा की महसूस बिल्कुल नहीं हुआ था इसलिए जहाँ भी कृष्ण बलराम होते हैं वहाँ निश्चय ही कोई भी पीड़ा नहीं हो सकता है ये बड़ा रहस्य है इसलिए वृंदावन में श्रील प्रभुपाद आने के पहले हर मंदिर राधा कृष्ण का मंदिर होते थे लेकिन वृंदावन में कृष्ण बलराम का लीला पहले से ही जिसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जब कृष्ण और बलराम पहली बार वृंदावन में आए थे पहले वो गोकुल में था जब वृंदावन में आया उनका नजर गिरा कहाँ गिरा पहले गोवर्धन जी के ऊपर गिरा पहले वृंदावन की जो जगह है इसके ऊपर गिरा फिर बाद में गोवर्धन जी के ऊपर गिरा और यमुना तट के ऊपर गिरा था ये तीन चीज देखा कृष्ण और बलराम और जो बहुत खुश हो गए थे ये तीनों चीज देख के तो इसलिए जहाँ कृष्ण बलराम होते हैं वहाँ केवल आनंद ही आनंद कोई भी तकलीफ भी आने दीजिए लेकिन वो तकलीफ एक पर्वत जैसे आएगा लेकिन एक लाइक ए स्मॉल कॉटन वो निकल जाएगा सो हियर ऑलवेज एवरी ईयर रामगिरी एंड द टीम दे आर अरेंजिंग वंडरफुल फेस्टिवल विद कृष्ण एंड बलराम बाय सम डिजाइन सो जस्ट टू गिव द एंटायर नवी मुंबई कंप्लीट हैप्पीनेस
आगे चल के मे बी इन 2-3 years टाइम राधा मदन मोहन की मंदिर की तरफ से एक बड़ा मंदिर भी आएगा जहाँ कृष्ण और बलराम की बड़ा मंदिर होने वाले हैं, हम सब वहाँ जा सकते हैं। इसका अर्थ है कि पूरा नवी मुंबई सभी दुखों से, सभी तनाव से, सभी पीड़ाओं से मुक्त होने वाले, साथ साथ में आनंद से भरने वाले। दिस इज गोइंग टू बी वेरी ग्रेट सीक्रेट। एंड ये जो स्पेशल प्रोग्राम हर साल यहाँ आयोजन किया जाता है, प्रबोधन, करेक्ट, प्रबोधन, प्रबोधन, इट इज ए रिमाइंडर। प्रबोधन मीन्स बेसिकली एन उपदेश, एक रिमाइंडर, क्योंकि कम से कम साल में एक बार तो हमारे हमको एक प्रबोधन होना चाहिए, क्योंकि हमारा लक्षण एक है। हमारा लक्षण क्या है? भूल जाना, भूल जाना हमारा लक्षण है। माया मुग्धेर जीव स्वतः नहीं कृष्ण ज्ञान, कृष्ण के बारे में ज्ञान बद्ध जीव को बिल्कुल कभी नहीं होता है, अपने आप नहीं होता है, अपने आप नहीं होता। इसलिए भगवान कृष्ण स्वयं व्यासदेव जी के रूप में आए थे और उन्होंने वेद ज्ञान हमको दिया, जिसके द्वारा हम कृष्ण और बलराम को हम समझ सकते हैं, कृष्ण को समझ सकते हैं। और जब कृष्ण आके गीता का ज्ञान दिया तभी भी किसी को भी समझ में नहीं आया, अभी भी समझ में नहीं आता। किसी को भी हम कहते हैं गीता का ज्ञान ले लो तो कहेगा, तो अगर कोई भी बच्चे लेना चाहते माँ बाप बोलेगा अरे ये तो सन्यासी बन जाएगा, अभी से ही भगवत गीता ले लिया तो वो सन्यासी बन सकता है, ऐसे कहेगा। और कोई बोलेगा भगवत गीता का क्या जरूरत है, अभी तो हम 21st century में हैं, वी आर हैविंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वी आर हैविंग कंप्यूटर्स, वी आर गोइंग टू रॉकेट, एंड ऐसा कहेगा। और कोई भी कहेगा जब भी दिस इज ए रिलीजियस टेक्स्ट, ये तो एक हिंदू का ग्रंथ है, ऐसा कहने वाले हैं। लेकिन भगवत गीता, जैसे अभी भी हमने तुकाराम महाराज की कहानी सुना है, कितना रोमांचक था, सही है कि नहीं? रोमांचक था कि नहीं? रोमांचक था। सो वी आर गिविंग ब्लेसिंग्स टू दी ऑल दी चिल्ड्रन, ऑल दी पीपल, दे हैव डन वेरी वंडरफुली। वी रिक्वेस्ट रामगिरी टू कंडक्ट मोर एंड मोर, इट शुड बी वेरी बिग बिग वे, इट शुड हैपन। रियली इट इज़ अ रोमांचक था, वेरी आई एम वेरी मच प्लीज एंड वेरी मच इम्प्रेस्ड, पुलकित हुआ हूँ मैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु बता रहा था, नयनम गलत अश्रुधारया वदनम गद्गदर युद्धर आगिरा पुलकय निचितम वपुक्कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। जब महान संतों का कहानी हम सुनते हैं थोड़ा मात्र में भी हमारा जीवन में बहुत परिवर्तन आ सकता है, हृदय में बहुत परिवर्तन आ सकता है। सो जो चैतन्य महाप्रभु ने हमको संदेश दिया था, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावतो जीवनम आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। यहाँ हरिनाम संकीर्तन, जैसे एंड में नाटिका में भी बताया कि तुकाराम महाराज का संदेश है कि हरि भक्त हरि नाम करना चाहिए और हरि भक्तों के साथ संग करना चाहिए और हरि की गुणगान में जीवन निकालना चाहिए। और उन्हें स्वयं बताया था कि एकादशी व्रत को पालन करना चाहिए हर एक व्यक्ति। और अंत में क्या प्रभाव हुआ, हमने स्वयं देखा कि भगवान स्वयं आया और उनको भगवत धाम में लेके गए थे। और मानव जन्म का उद्देश्य भी यही है, टू बिकम डिटरमाइंड टू गो टू बैक टू गॉड। लेकिन भगवत धाम में जब कोई भी इच्छा प्रकट करते हैं उसका प्रभाव हमको यही होना चाहिए पहले,
क्योंकि वहाँ का प्रभाव है सत चित और आनंद। तो आनंद का महसूस हमको यही होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हम भगवत धाम में जाने के लिए तैयार हो गया, हम भगवत धाम के ओर स्पष्ट रूप से हम जा रहे हैं, हम ये अनुभव कर सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं। वी शुड एंजॉय, वी शुड फील हैप्पीनेस हियर इटसेल्फ। ये हरिनाम का प्रभाव, जैसे आज पूरा नेरूल में या नवी मुंबई में हरिनाम संकीर्तन किया, ये हरिनाम संकीर्तन का सात प्रकार के प्रभाव हैं। एक है चेतो दर्पण मार्जनम, हमारा चित्त का दर्पण को शुद्धि करने का, क्योंकि पहला है हमारा चित्त में भगवान की दर्शन होना चाहिए, लेकिन भगवान के दर्शन के बिना ये स्थिति में हमको काम क्रोध लोभ की नाना प्रक्षेप प्रकार के जो दुश्मन है, जो शिवाजी महाराज भी कहा था, मैं तो दूसरे में बाहर की शत्रु से लड़ाई कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वास्तव में मुझे अंत शत्रु जो है इसके साथ लड़ाई करना चाहिए, ऐसा उन्हें कह रहा था। तो ये संकीर्तन आंदोलन की पहला प्रभाव है हमारा मन, ये सभी ये जो काम क्रोध है इससे मुक्त हो जाएगा। इसका प्रभाव क्या है? इसका प्रभाव है हम शांत बन जाएंगे, वी बिकम पीसफुल। कोई भी हमसे हाथ उठा सकते मैं बिल्कुल शांत हूं, ऐसे बोलने वाला एक बार कृपा करके हाथ उठाइए, मैं बिल्कुल शांत हूं। क्या ऐसा आप सोच रहे या आप है? जो यहां आएगा, जो जो यहां आया है वो निश्चित रूप से शांत है, इसमें कोई डाउट नहीं। जब शांति होगा तभी भगवान की छवि हमारा हृदय में प्रकट हो सकता है, तभी होगा, तब तक नहीं होगा। और भागवत में एक चीज कहा था, जो व्यक्ति भगवत धाम में जाने के लिए लायक है, तैयार है, उसका पहला लक्षण है वो पाप से मुक्त होता है, पाप से बिल्कुल मुक्त है, उससे कुछ भी पाप नहीं हो सकता। और दूसरा लक्षण है वो कभी भी बूढ़ा नहीं होगा, मतलब बूढ़े की जो लक्षण होता है वो व्यक्ति में बिल्कुल नहीं दिखाई दे, पक्का है। इवन इफ दैट पर्सन इज 100 ईयर्स ही वुड चैंट एंड डांस। हम देख सकते हैं हमारा आचार्य श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज 125 130 साल में भी उन्होंने नाच रहा था। हम देख सकते हैं कि श्रीपाद रामानुजाचार्य 125 ईयर्स। सो दैट इज द इंडिकेशन दे आर कॉल्ड विजरा, उनके पास जरा की लक्षण बिल्कुल नहीं होता, और वो सत्य संकल्प होता है, अर्थात जो वो जो चीज वो बोलेगा वो सच निकलेगा। इसलिए संत के पास सब लोग भागते जाते हैं, क्योंकि वो तो भगवत धाम में जाने के लिए, क्योंकि भगवान की छवि उनके हृदय में हमेशा होता है, इसलिए वो जो बोलेगा वो सच निकलेगा। हमारा आचार्य श्रील प्रभुपाद जी ने कहा था, मैं चाहता हूं कि मुझे बहुत सारा मंदिर चाहिए और सभी मंदिर भक्तों से भरा हुआ चाहिए मुझे। आई वॉन्ट फील्ड टेम्पल्स। आप देख लीजिए कोई भी, जब भी यू कैन ओपन एनी यूट्यूब एंड सी एवरी डे जुहू टेम्पल इज कंप्लीटली जैम पैक्ड, एवरी डे वृंदावन टेम्पल इज जैम पैक्ड, एवरी डे मायापुर टेम्पल इज जैम पैक्ड, एवरी डे खारगढ़ टेम्पल इज जैम पैक्ड। That is the design of Srila Prabhupada. So, भक्ति करने का मतलब है सभी इच्छाओं का पूर्ण होना, और मानव जन्म का जो असली प्रयोजन है वो सफल होना, सिद्ध होना। Understand? This is most important. So, यहाँ we have
I request Ramgiri, next time we should arrange beautiful dioramas. क्योंकि मानव जन्म का पहला कर्तव्य है आत्म के बारे में जानना। जब तक हम आत्म के बारे में नहीं जानते तब तक हम शांत नहीं बन सकते, तब तक मानव जन्म का सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए राधा मदन मोहन जी के मंदिर में एक कॉलेज भी हमने खोला है, भक्ति वेदांता कॉलेज ऑफ वैदिक एजुकेशन। एक ही कॉलेज है पूरा नवी मुंबई में जहाँ आत्मविद्या दिया जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी आ सकते हैं, भगवत गीता सीख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इफ इट इज सिक्स टू मंथ्स प्रोग्राम और सिक्स मंथ्स प्रोग्राम और टू इयर्स प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट। आप खाली आइए और आत्मविद्या सीख लीजिए। जब आत्मविद्या सीखते हैं तभी मन शांत हो जाएगा और जीवन में कामयाबी। और स्वतः किसी को भी कृष्ण का ज्ञान नहीं होता है, हर एक के लिए एक गुरु की आवश्यकता है, गुरु की ज़रूरत है। गुरु के द्वारे जब आदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है, हमारे रामगिरि जी हर एवरी ईयरली वंस ही इज गिविंग प्रबोधन तो दे रहे। However, every Sunday all of you can come to Bhaktivedanta College of Vedic Education. वहाँ ये आध्यात्मिक विद्या आत्मविद्या दिया जाता है। और कृष्ण बलराम की एक्चुअली आत्मविद्या जानने से आत्मविद्या हम आप प्रदान करने के लिए दो उपाय है, एक है भगवद गीता एक है भागवत। देर आर टू, वन गीता एंड भागवत। भागवत में कृष्ण लीलाओं की वर्णन होता है और भगवत गीता में कृष्ण का संदेश। भगवत गीता अभी तक कौन कौन पढ़ा है, कृपा करके हाथ उठाइए। बहुत कम व्यक्ति पढ़ा है, यस। क्योंकि भगवत गीता का संदेश, भगवत गीता का प्रयोजन सब लोग नहीं समझा अभी तक। जैसे सभी बच्चे लोग आए थे वहाँ गीता का श्लोक भी उच्चारण किया था। गीता में अंत में एक श्लोक है, आप सब मेरे साथ दोहराइए, यत्र योगेश्वर कृष्णो, सब लोग बोलिए, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवाने तिर्मतिर ममा। इसका अर्थ ये है जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं और जहाँ महाधनुधारी अर्जुन हैं वहाँ ऐश्वर्य विजय अलौकिक शक्ति असाधारण शक्ति नीति निश्चय रूप से रहती है। ये ऐसा मेरा मत है। अर्थात जो व्यक्ति गीता का अध्ययन करेगा गीता का पालन करेगा उनके साथ ही कृष्ण और बलराम रहेगा और उनके साथ ही ऐश्वर्य विजय असाधारण शक्ति और नीति निश्चय रूप से रहेगी। हर एक व्यक्ति चाहते हैं कि ऐश्वर्य चाहिए, हर एक व्यक्ति चाहते कि मुझे विजय चाहिए, हर एक व्यक्ति चाहते कि अलौकिक शक्ति चाहिए नीति चाहिए, लेकिन इसका उपाय मिलना कहाँ से, केवल भगवत गीता से। और भागवत में आते हैं कृष्ण और बलराम की कहानी आते हैं और भागवत की महिमा ऐसा है, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोक मोहा भयापह। ये दुनिया में शोक से मोह से भय से मुक्त होना है तो एकमात्र उपाय है भागवत का श्रवण करना चाहिए। केवल भागवत के श्रवण के द्वारा ही कोई भी भय से मुक्त हो सकता है, कोई भी मोह से मुक्त हो सकता है और कोई भी शोक से मुक्त हो सकता है। यहाँ कृष्ण बलराम के और थोड़ी देर में आरती होने वाले हैं, मैं चाहता हूँ आप सब
तो संकीर्तन में भाग लीजिए, कृष्ण बलराम के दर्शन कीजिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया था इति नंदाद योगोपा कृष्ण राम कथा मता, जो कृष्ण बलराम के सामने रहते हैं, कृष्ण बलराम को निहारते हैं, कृष्ण बलराम की कहानी सुनते हैं, लीलाओं को सुनते हैं, निश्चय उसको आनंद, उसको निश्चय से आनंद ही प्राप्ति होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। और जैसे तुकाराम महाराज भी कहा था, नाम संकीर्तन और खासकर स्पेशली चैतन्य महाप्रभु, हमारा आचार्य ने कहा था चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ही तुकाराम महाराज का दीक्षा भी हुआ था, इसलिए वो संकीर्तन आंदोलन में कीर्तन करना नाचना उनके लिए दोनों चैतन्य महाप्रभु से आया है। तो लेट अस जॉइन द संकीर्तन, कृष्ण बलराम के सामने कीर्तन करेंगे और संकीर्तन करते हुए नाचने के भी चेष्टा करेंगे। इसके साथ मैं आप सबको प्रणाम करते हुए आशीर्वाद करते हुए कृष्ण बलराम के पास आके नाचने की आमंत्रण दे रहा हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।